सापड़ा मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा हमारी केंद्रित है इस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ विधानसभा के संदर्भ में भी चुनाव हो रहे हैं, कुछ जगह उपचुनाव भी हो रहे हैं। हम सारे ही जगहों पर जो कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं उसे केंद्र में रखकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा आज का विषय है अरुणाचल की राह, एक दलीय की चाह। आप चौंक रहे होंगे, पर चौंकने का विषय नहीं है, ये बात एक सच्चाई के तौर पर। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, प्रत्याशियों की भीड़ रहती है, प्रत्याशियों की हसरत होती है, होते हैं उनके द्वारा अलग अलग इलाकों में प्रत्याशी उतारे जाते हैं, वोट पाए या ना पाए, लेकिन कम से कम प्रत्याशी के तौर पर मैदान में 10-20 लोगों की मौजूदगी होना एक आम बात है। कुछ कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिसमें 2-5 प्रत्याशी रहते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कमाल हो गया। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का महत्वपूर्ण राज्य है, चीन के साथ विवाद के कारण से अधिकांश समय सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका 10 साल पहले इस नॉर्थ ईस्ट में कोई नाम लेवा भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम का एक राजनीतिक दल है जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। देश में ये किस्सा आम है, ये कहानी आम है, ये किंवदंती आम है, जिसमें ये कहा जाता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हो सीटों की संख्या की दृष्टि से, पर वस्तुतः राष्ट्रीय पार्टी आज भी केवल एक है, उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। देश का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता मौजूद ना हो, लेकिन 2024 तक आते आते ये किंवदंती मानो खत्म होने के कगार पर है। कगार पर इसलिए है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में एक चमत्कार हुआ है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव के तहत मतदान 19 अप्रैल को होना है, मतलब पहले चरण के तहत ही चुनाव प्रक्रिया को पूरा हो जाना है, नामांकन से लेकर मतदान तक। परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नामांकन का समय खत्म हुआ तो अरुणाचल प्रदेश जहां पर 60 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त किसी और दल के किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। आशय को समझिए, इसका आशय यह है कि वहां की जनता को मतदान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे जहां पर चूंकि केवल एक व्यक्ति के द्वारा एक दल की ओर से नामांकन दाखिल किया हुआ है और नामांकन अगर जांच में सही पाए गए तो वह निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। आज जब नगर पालिका के चुनाव में कोई व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित नहीं हो पाता है, वहां पर विधानसभा चुनाव में 5-5 सीटों पर अगर निर्विरोध निर्वाचन हो रहा है तो इसे क्या समझा जाए। इसे समझाने के लिए देश के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कमाल का एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा देश का मिजाज दिखाने में अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है। आशय क्या है? आशय यह है कि देश का मिजाज केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में, जिस प्रकार से अन्य दलों के तमाम नेता अपने अपने दलों के प्रति निष्ठा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्या माना जाए कि आने वाले समय में इस देश में केवल एक ही दल दिखेगा और उसका नाम भारतीय जनता पार्टी हो। अगर विधानसभा चुनाव में अन्य विपक्षी दल उम्मीदवार तक नहीं खोज पा रहे हैं, एक अदद उम्मीदवार जो प्रतीक रूप से भी मैदान में दिखे, तो क्या मान लिया जाए कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश का रुझान इस कदर हो गया है कि लोग जीतना तो छोड़ अब लड़ने की संदर्भ में भी हसरत छोड़ चुके। सवाल महत्वपूर्ण है। इसी पर विमर्श करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनिल गोयल जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारे साथ है। शुरुआत हम बजरंग दास गर्ग जी से करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कांग्रेस की इस हालत के संदर्भ में, जिसमें जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक समय सभी जगहों पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वो कांग्रेस जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, वो कांग्रेस जिसकी हर गांव में उपस्थिति मानी जाती थी, वो कांग्रेस 5 विधानसभा क्षेत्रों में बाकी दलों को छोड़िए प्रत्याशी तक नहीं उतार पाए, क्या कहते हैं बजरंग दास गर्ग जी? हो गया, बस इतिहास के पन्नों में ही दिखेगी कांग्रेस? डॉक्टर साहब, बड़ा आपने अच्छा सवाल भी किया और आप तो बहुत सीनियर पत्रकार जी और सारी परिस्थितियों से अच्छी तरह जानते हो, अगबत भी हो। आज जहां देश के हालात आप देख रहे हो, आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, आज देश के अंदर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो लड़ रही है ईडी सीबीआई सरकारी एजेंसी के दम पर चुनाव लड़ रही है। कितने ऐसे मैं केस आपको बता सकता हूं, जो 5 विधायक का सवाल है, ये महाराष्ट्र का खेल देख लीजिए, ये कहते थे छिंदा जी
सबसे बड़ा आदमी है, ईडी का केस, सीबीआई का केस, अरबों रुपए के ऊपर रोक, अजीत पवार पर अरबों रुपए के रोक, जहां तक नीतीश कुमार जी के ऊपर ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, उन पर रोक, चलती सरकार को बदलने की कला अगर देश में किसी ने सीखी है तो मैं कहता हूं वो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, साथ में अमित शाह है। इन्होंने चलती सरकार ईडी के दम पर गिराकर, सीबीआई के दम पर गिराकर अपनी सरकार बना ली, वे ईमानदार हो गए। और डॉक्टर साहब एक बात पूछता हूं, साथी बैठे हैं, ये बता दे ऐसा कोई दल, विपक्षी दल बता दे जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठी ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, की बंगाल में ममता जी है, शरद पवार जी है, चाहे आपके सामने कांग्रेस पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल जी है या लालू जी, हरेक के ऊपर जो भी इनके खिलाफ बोले। गर्ग साहब, आप जितनी भी दलीलें दे रहे हो ना, ये दलीलें विलाप की श्रेणी में आती हैं। अभी सवाल इस बात का नहीं हो रहा कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, अभी सवाल इस बात का हो रहा है कि अब तो आप लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरा सवाल क्या है, उस सवाल पर जाइए। 5 विधानसभा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर नामांकन तक दाखिल नहीं किया विपक्षी दल के किसी नेता के द्वारा या कार्यकर्ता के द्वारा। 5 विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय भी मौजूद नहीं है। 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सीधे तौर पर भाजपा के प्रत्याशी इसलिए चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि सामने कोई प्रत्याशी ही नहीं है। क्या कहते हैं आप? यही बताना चाहता हूं, ये सरकारी एजेंसियों का खेल है, दबाव की राजनीति है। जहां मैंने पढ़ा, सारा नेट के ऊपर भी देखा है, 5 विधानसभा क्षेत्र की जो बात आई, सारे कहां का दबाव की राजनीति है भाई। तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी लोकसभा में नहीं उतारेगी, जिसका मुख्यमंत्री जेल में जाके बिठा दिया गया है, जिसका डिप्टी सीएम जेल में है, जिसका सांसद जेल में है, फिर भी वहां पर मैदान में उतर रहे ना। अपनी जिम्मेदारी के संदर्भ में नए सिरे से विचार कीजिएगा बजरंग दास जी। मैं वापस लौटूंगा आपके पास कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में आप नाकाम क्यों रहे 5 विधानसभा क्षेत्रों के संदर्भ में प्रत्याशी उतारने के संदर्भ में। लेकिन मैं अनिल गोयल जी आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं आपके उस खूबी के संदर्भ में, आपकी सफलता के संदर्भ में, आपके द्वारा किए गए इस चमत्कार के संदर्भ में जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्रों में कोई प्रत्याशी ही आपके सामने मैदान में नहीं आया, ये चमत्कार आपने कैसे किया? अनिल जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना, मैं तो हतप्रभ भी हूं, हैरत में भी हूं, अचंभित हूं, चमत्कृत हूं, क्या कहूं, क्या क्या नहीं हूं। हिमांशु जी, सही बात तो यह है कि हमारी सरकार के कार्य इतने अधिक हैं, जनता की सेवा इतनी अधिक करी है, और उसका जो एक श्री गणेश है वो अरुणाचल से हुआ था, अरुणाचल ने उसको ये दिखा दिया है। दूसरी बात क्या है कि अरुणाचल ही नहीं है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अमेठी रायबरेली जैसी सीट पर इनके अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, इनके जितने भी बड़े नेता हैं सब नेताओं ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है, ये कांग्रेस की स्थिति है। और ये ईडी और सीबीआई का रोना कब तक रोएंगे? इनको ये भी ध्यान होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के टाइम में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था, तो भी भाजपा ने इलेक्शन लड़ना नहीं छोड़ा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनका मुख्यमंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, सांसद जेल में है, दूसरा मंत्री जेल में है, और 18-20 विधायक है जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, किन्हीं को फांसी की मतलब उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बावजूद भी वो कैंडिडेट उतार रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि आप अरुणाचल तो छोड़ो, रायबरेली अमेठी जैसी जो इनकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनका गढ़ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहां भी इनके पास कैंडिडेट उतारने के लिए नहीं है। और मैं एक अचंभे पर बात करना चाहता हूं अनिल गोयल जी, देखो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, 3 दशक के बाद में स्पष्ट जनादेश उनके नेतृत्व में ही भाजपा ने प्राप्त किया और उन्होंने काम इतना बेहतर किया, ये आप दावा कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम में, इसलिए लोग मैदान में आने के लिए तैयार नहीं है। पर आपसे जानना चाहता हूं कि भाई ये चमत्कार अगर होना चाहिए था तो गुजरात में होना चाहिए था, जहां से ये चमत्कारी विभूति आती हैं, जहां पे बतौर मुख्यमंत्री भी उन्होंने कमाल का काम किया था कि पूरे देश को उनसे उम्मीदें जाग गई थी। उस गुजरात में ऐसा कहीं निर्विरोध निर्वाचन की अभी तक खबर नहीं आई। बनारस संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां से इस प्रकार की चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। ये काम करने का क्षेत्र मुख्यतः यह है, वो चमत्कार अरुणाचल प्रदेश में हो गया।
थोड़ा ये तो बताओ कि अरुणाचल प्रदेश से चमत्कार क्यों हुआ अनिल जी, थोड़ा तो रोशनी दो, ऐसा भी क्या छुपाना हमसे। हिमांशु जी सही बात यह है कि अगर गुजरात की बात करते तो लगातार हमारी सरकार बन रही है और जब से मोदी जी वहां पर हमारी सरकार बनी है बीजेपी की आज तक लगातार कंटिन्यू कर रही है। इससे हम लोग गुजरात की जनता का पूरा प्यार पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है जी। अरुणाचल जो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश के लोगों में सही मायनों में जब उनको ये लगा कि हमारी जमानतें ही जब्त हुई, हमने कुछ देश के लिए करा ही नहीं है, अरुणाचल के लिए कुछ नहीं करा, देश के लिए कुछ नहीं करा, तो निश्चित तौर पर कैंडिडेट ही चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो इसमें कांग्रेस की एक सबसे एक पतली हालत दर्शाती है कि कांग्रेस की इतनी हालत खराब है। और मैं इसमें प्लस कर रहा हूं, आप अरुणाचल की तो बात है ही है जी। ये आपको आपको भी और मेरे जितने भी आप एनलिस्ट बैठे हैं दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप चुनाव लड़ने से इंकार कर चुकी है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनको तो हार दिखाई दे रही है, हार दिखाई दे रही है। तो अनिल गोयल जी दो चीजें बता रहे हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश में लोग इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे कि उन्हें जीतने की उम्मीद तो छोड़िए, जमानत जब्त तो हो जाने का डर है, इसलिए क्यों जमानत की राशि डुबोई जाए, इसलिए वो चुनाव लड़ने से इंकार कर दे रहे हैं। और कांग्रेस के चूंकि बड़े बड़े नेता अब चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है तो फिर छोटा कार्यकर्ता क्यों चुनाव में अपने पैसे बर्बाद करे, इसलिए भी वो मैदान में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं राकेश शुक्ला जी आपके पास आता हूं, दो विवेचन है, एक विवेचन माननीय बजरंग दास गर्ग जी का है कि भाई दहशत इतनी है इसलिए चुनाव के हालात नहीं है, दूसरी तरफ गोयल साहब का कहना है लोकप्रियता इतने उफान पर पहुंच गई है कि जीतने की तो छोड़िए जमानत जब्त हो जाने का अंदेशा है तो कौन अपना पैसा डुबोना चाहेगा और बेइज्जती चाहेगा, इसलिए लड़ो ही नहीं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए सबसे पहले जो आपने कहा कांग्रेस को लेके, तो मुझे एक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का जुमला याद जी, एक थी कांग्रेस जी। अब आगे अपन बढ़े तो नॉर्थ ईस्ट में जहां की अरुणाचल का विषय लेके आप आ रहे हैं, अरुणाचल में दो कांग्रेस के बहुत अच्छे प्रबंधक थे, राजनीतिक प्रबंधक, जिन्हें कांग्रेस ने खो दिया। एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और दूसरे अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, ये दोनों वहां के बहुत ही महारत व्यक्ति थे जिनको कांग्रेस ने खोल दिया सिर्फ अहंकार के चलते। जहां तक कांग्रेस की बात है तो आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जब पहला नारा दिया गया कांग्रेस मुक्त भारत, उसी समय कांग्रेस का मनोबल टूटा था जी। जब वो इस बार 2024 के चुनाव के पहले उन्होंने दूसरा नारा दिया 400 के पार भाजपा 370, तो बचा कुचा मनोबल भी कांग्रेस का टूट गया है। हम ये कह सकते हैं कि इस समय पर कांग्रेस हार की हताशा से घिरी हुई है और इसीलिए आप देखेंगे किसी भी राज्य में, मैं सिर्फ अरुणाचल की बात नहीं कर रहा, तमाम बड़े राज्य जहां जहां कांग्रेस का अच्छा खासा वोट है, अपने मध्य प्रदेश का यदि हम जिक्र करें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा खजुराहो सीट, खजुराहो में 25-26% कांग्रेस का वोट है और 0.8% समाजवादी पार्टी का वोट है और वो सीट कांग्रेस ने दे दिया सपा को। भरूच सीट जहां सेकंड नंबर पे कांग्रेस रहती थी उस सीट को उन्होंने आम आदमी पार्टी को दे दिया। दिल्ली 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पे कांग्रेस सेकंड नंबर पे थी और 2 सीटों पे थर्ड नंबर पे, यहाँ की 5 सीट उन्होंने अपने सेकंड नंबर वाली सीट आम आदमी पार्टी को दे दी। ऐसे कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो 11 सीटें दी गई हैं उसमें 5 सीटों को छोड़ दिया जाए तो 6 सीटों पे उनके पास कैंडिडेट नहीं है। एक उदाहरण और रखूंगा, गोरखपुर का बांस गांव एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां की 6 विधानसभाओं में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ 5 विधानसभाओं में कांग्रेस को सिर्फ 7,000 वोट मिले हैं। आप आकलन करिए कि कांग्रेस के पीछे जो क्षेत्रीय दल चला करते थे आज कांग्रेस उन क्षेत्रीय दलों के पीछे चलने को मजबूर है। तो कांग्रेस जब तक इस हताशा से बाहर नहीं आएगी, इस निराशा से बाहर नहीं आएगी, तब तक वो लड़ने के लिए खड़ी नहीं होती। पर मैं राकेश जी आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस क्या उभरेगी, सारे कांग्रेसी तो भाजपा में ही अपना भविष्य देख रहे हैं, लाइन लगी हुई है कांग्रेसियों के भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहनने के संदर्भ में। आपसे जानना ये चाहता हूं कि इस बार लक्ष्य रखा है 400 पार के संदर्भ में, कोशिशें उससे आगे भी जाने की हो रही हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में देश के मानस को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार से बना लिया है कि अब सबको भविष्य भाजपा के साथ दिखाई दे रहा है, कहीं हम एक दलीय शासन व्यवस्था की ओर तो नहीं बढ़ चले हैं,
5-5 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन, मतलब उम्मीदवार का अभाव, क्या इस दिशा में एक बड़ा कदम या बड़ा बोध नहीं कराता है? देखिए 2014 से लेके और 2024 तक नॉर्थ ईस्ट को लेके नरेंद्र मोदी की खास फोकस करके चले, मतलब डेवलपमेंट के इशू को देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट को जो हमेशा अपने आप को भारत के अन्य हिस्सों से कटा हुआ मानता था, आज आप रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी में बेहतर पाएंगे। वहां जो रोजगार के साधन है, स्व सहायता समूह है, उसका बड़ा अच्छा तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ। फिर अब आप पीछे जाइए अरुणाचल प्रदेश में, 2019 के चुनाव में भी वहां 3 विधायक निर्विरोध निर्वाचित हुए, इस बार भी सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा 3 विधायक और निर्विरोध निर्वाचित हुए। उसका मूल कारण ये है कि कांग्रेस में वहां नेता प्रतिपक्ष जो थे वो भी शामिल हो गए हैं भाजपा में। सबसे मूल विषय ये है कि कांग्रेस में नेतृत्व का बहुत बड़ा अभाव है और भारतीय जनता पार्टी में सक्षम नेतृत्व है, उसी नेतृत्व के कारण राजनीति कहीं ना कहीं एक आशावादी केंद्र होती है, कांग्रेस में निराशा फैली हुई है, इसी वजह कांग्रेस में निराशा फैली हुई है। राकेश शुक्ला जी सीधे निष्कर्ष पर हैं, मैं बजरंग दास गर्ग जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, हालात बन रहे हैं विपक्ष मुक्त भारत के, क्या कहते हैं आप? आप इतने विफल हो गए कि आप तो दिख नहीं रहे हैं, शायद हो सकता है विपक्ष भी ना दिखे, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी जुमले वाली पार्टी है और झूठ और लूट की पार्टी है। इन्होंने हरियाणा में भी कहा था, अब की बार 75 पार और 40 मटक गए और अब विधानसभा चुनाव होंगे 10 पे रह जाएंगे। ये कहते हैं 400 पार, 600 पार कह दे, डॉक्टर साहब उनको रोक सकता है क्या जी? ग्राउंड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, डरी नहीं होती तो ये ईडी और सीबीआई दबाव डालकर लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं करवाते। बजरंग जी आप क्या है विषय के साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, ये जुमला वाली पार्टी है, झूठ और लूट की पार्टी है, सब बातें तो आप लगातार बोलते रहते हैं, अभी इस बात को लेकर आप कितने विचलित हैं, कितने निराश हैं, कितना भविष्य के संदर्भ में कदम उठाने वाले हैं कि एक विधानसभा चुनाव हो रहा है राज्य का और उसमें 5 विधानसभा क्षेत्रों में विपक्ष एक उम्मीदवार नहीं उतार पाया, इसे आप गंभीर नहीं मानते, इसको लेकर आप संजीदा नहीं होना चाहते, इसको अपनी विफलता के तौर पर नहीं देखना चाहते, इसको अपने असफलता के संदर्भ में विवेचन नहीं करना चाहते, आप केवल और केवल भाजपा के संदर्भ में विलाप करके ही खत्म कर लेना चाहते हैं, तो पूरे देश से खत्म हो जाएगा, विलाप करते रहिए। कांग्रेस पार्टी, ये तो चुनाव है विधानसभा की 5 सीटों का मामला जी, अगर मान लो 1 सीट का भी मामला हो, कांग्रेस पार्टी हर बात को गंभीरता से लेती है जी। ये देश की आजादी की समय की पार्टी है, देश की आजादी और देश के विकास में कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहा है जी। मैं बताना चाहता हूँ, खून से सीनने वाली कांग्रेस पार्टी है देश के लिए, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी जी। चुनाव में हार जीत होती रहती है, हमने कभी भी घटिया स्तर की राजनीति नहीं की, जिस प्रकार जो लोग करते हैं दबाव की राजनीति, आज आपने देखा किस प्रकार कुरुक्षेत्र के अंदर एक कैंडिडेट उतारा गया, मेरा परिवार का सदस्य है, किस प्रकार कितना दबाव उस परिवार के ऊपर डाला गया सबको पता, सारा देश जानता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के अंदर क्या बयानबाजी करते थे, आज उन्हीं को ही दबाव देकर तो भावुकता से भरे हुए हैं बजरंग दास जी। बजरंग दास जी दुखी हैं, पर इस विषय के संदर्भ में वो करेक्ट नहीं हो रहे हैं कि 5 सीटों पर प्रत्याशी क्यों नहीं है। मैं वापस गोयल साहब आपके पास आना चाहता हूं, कुल मिलाकर एक तरफ निर्विरोध निर्वाचन है, दूसरी तरफ विपक्ष का आक्षेप है और उदाहरण सहित आक्षेप है कि आप डरे हुए हैं, दहशत में हैं, इसलिए दूसरों को दहशत के साथ अपने साथ जोड़ ले रहे हैं, क्या कहते हैं आप? जब जनता आपके साथ में है, लोकप्रियता के शिखर पर आप हैं ऐसा आप दावा करते हैं, तो ये चुके हुए कांग्रेसियों को, थके हुए कांग्रेसियों को, खारिज हो चुके कांग्रेसियों को गलीचे बिछा बिछा कर क्यों ला रहे हैं और उनको टिकट देकर इतनी सम्मानित स्थिति क्यों प्रदान करना चाह रहे हैं, जिन अशोक चौहान के संदर्भ में आप 2019 में बताते हुए नहीं थकते थे कि कितना भ्रष्ट नेता है, वो इतना सम्मानित नेता के तौर पर आज आपके यहाँ शोभा क्यों बढ़ाता है, ये सवाल है। नवीन जिंदल को लेकर 2014 के
बयान के साथ 2024 की घटना को दिखाया जा रहा है, क्या कहते हैं अनिल गोयल जी, मन कितना दुखता है आपका? हिमांशु जी, पहली बात तो ये है कि डरे हुए हम नहीं है, डरे हुए ये हैं और डर की वजह से चुनाव मैदान से भाग रहे हैं जी। पहली बात तो बड़ा स्पष्ट है। दूसरी बात क्या है? अरे थोड़ा रुकिए अनिल गोयल जी, अब ये चुनाव मैदान से क्या भाग रहे हैं? इनके हाथ से जिनको चुनाव लड़ रहा है उनको तो टिकट आप दिए जा रहे हैं, तो बेचारे कहां से भागेंगे? इनके लोगों को तो टिकट देने के लिए आपने अपने लोगों को घर में बिठाना चालू कर दिया है। हिमांशु जी, जो हमारी नीति रीति में सहमति है, जो हमारी नीति रीति के साथ चलने को तैयार है, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है जी। ये तो वरुण गांधी के लिए, ये तो वरुण गांधी को बुला बुला रहे, पुचकार रहे कि मेरे हमारे आ जाओ, हमारे आ जाओ, हम टिकट दे देंगे। हालत तो इनकी है कि ये वरुण गांधी को बार बार बुला रहे हैं, आ जाओ हम आपको टिकट दे देंगे। इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है जी। ये तो बीजेपी से कैंडिडेट उधार मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, आपके पास कौन से कैंडिडेट है? आपने नवीन जिंदल को जो है अपना भाजपा का गमछा पहना, आधे घंटे में उनको टिकट दे दी। आप भी तो उतने ही दीनहीन और दारिद्र के साथ में दिखाई दिए। हिमांशु जी, हमने क्या, जो हमारी नीति रीति के साथ हमारी सड़कों पर हमारे साथ जुड़ने को तैयार है, उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले। थोड़ा शर्तें बताओ अनिल जी, आपने कहा जो हमारी शर्तों पर तैयार है, थोड़ा शर्तों का खुलासा करी दो। जब आपने बता ही दिया है कि आपकी शर्तें, तो हम लोगों को भी पता चल जाए शर्तें क्या क्या है भाई। हिमांशु जी, एक बात और है, हमने 400 पार का नारा दिया है, ये बता दें इनका क्या लक्ष्य है। हमने लक्ष्य 400 पार जाने का दिया है, इनका लक्ष्य क्या, ये लक्ष्य बता दें। इसका बहुत बड़ा कारण है इनका जो बीजेपी, इनके कांग्रेस जो है पूरे देश से गायब हो रही है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हर मतदाता के दिमाग में है कि ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, अपने परिवार को सेटल करना चाहती हैं, और कोई नीति नियम नहीं है उसके खिलाफ। बताओ अनिल जी, आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, ये चलेगा, और सोनिया जी या कांग्रेस जी राहुल गांधी को एक बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो नहीं चलेगा, ये कौन सी बात हुई भाई? भाई ये अधिकार उनको क्यों नहीं है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार राज करे, इसको लोकतंत्र कहेंगे या तानाशाही कहेंगे जी, राजशाही कहेंगे या लोकतंत्र कहेंगे जी। और अब इसके लिए एक बात और है जो जनता देख रही है कि इन्होंने ही लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल में भेजा, और आज ये उसके साथ ही नंबर टू की पार्टी का समझौता कर रहे हैं। अच्छा, यानी जो, और जिन अजीत पवार के संदर्भ में आपने बताया कि कितना भ्रष्ट आदमी है, उसको उप मुख्यमंत्री बनाकर आप बैठे हो, उसके संदर्भ में क्या कहना है अनिल जी आपका? थोड़ा इसके संदर्भ में सम्मान पूर्वक बता दो। ये तो कोर्ट ने जेल में भेजा है लालू, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं आरोप, राजनीतिक आरोप की बात नहीं कर रहा, मैं कोर्ट की बात कर रहा, राजनीतिक आरोप नहीं है। इसी तरीके से अजय माकन ने केजरीवाल पर शराब घोटाला के आरोप किसने लगाए? अजय माकन ने, जो इनका कांग्रेस का नेता है, जो कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहा है, और आज उसके सारे नेता जेल में है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद और दुनिया भर के, और ये उसके साथ फिर गठबंधन कर रहे हैं। यानी जनता ये देख रही है कि एक तो ये अपने परिवार, जनता तो समझ ही नहीं पा रही है कि क्या देख रही है। पर मैं आखिरी बातचीत के लिए राकेश जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या देखें हम, क्या देश का मानस एक दल के साथ जाने के लिए तैयार है, या आप मानते हैं कि एक दल व्यवस्था ऐसी कर दे रहा है कि और दल के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहे, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ा दोष कांग्रेस का है। आप हिमांशु जी यदि चुनावों का आकलन करें तो आप पाएंगे कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 22 करोड़ वोट लेकर गए, तो कांग्रेस बिना मेहनत के 11 करोड़ वोट पाई। यदि वो थोड़ा भी मेहनत करती तो आप जिन दो दलीय व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, तो आज एक दल कितना ऊपर नहीं होता। स्वस्थ राजनीति के लिए दो बड़े दलों का होना जरूरी है। आज कांग्रेस के सामने संकट ये है कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी उसको नहीं मिल पा रहा। आज कांग्रेस के सामने स्थितियां ये है कि उसके पास उम्मीदवार नहीं ढूंढे मिल रहे हैं। आज कांग्रेस के पास स्थितियां ये है कि पार्टी के अंदर जिस गांधी परिवार के पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी है, उसी गांधी परिवार में आला कमान बनने को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो जहां इस तरह की विसंगतियां पैदा होंगी, वहां कांग्रेस से बहुत बड़ी अपेक्षा रखना कठिन है। सबसे मूल बात यह है,
जो आपने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, हम मजबूती से लड़ने की जरूरत, मजबूती से लड़ने की जरूरत। तो हम अगर बातचीत के मर पे पहुंचे तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल होगा या कोई भी राजनीतिक दल होगा, वो अपने आप को मजबूत से और मजबूत करने की सदैव कोशिश करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 300 सीटें जीत पाने में सफल रही तो उसको अधिकार बनता है कि वह इस बार 400 पार के लक्ष्य को निर्धारित करे। लेकिन विपक्ष इस दौरान क्या कर रहा है? विपक्ष केवल विलाप करेगा या नीतियों के आधार पर सत्तारूढ़ दल को कटघरे में खड़ा कर जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा? अगर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आप अपने साथियों को नहीं सहज पा रहे, अपने दल के निष्ठावान कार्यकर्ताओं और नेताओं को साथ नहीं रख पा रहे, अगर मैदान में उम्मीदवार तक नहीं उतार पा रहे, तो देश अगर इस दल और इस दल के नेता के साथ जा रहा है तो फिर विलाप किस बात का? कुल मिलाकर सामने स्थितियां स्पष्ट हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी रीति नीति है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भ्रम में पड़ा हुआ विपक्ष है। विपक्ष भ्रम से उभरेगा और देश को एक सशक्त विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा इस लोकसभा चुनाव में? यह सबसे बड़ा सवाल है। आने वाला समय ही इसका उत्तर देगा, लेकिन इस उत्तर के सकारात्मक होने का हमें इंतजार है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आपसे याद लेने का, तो मुझे दीजिए याद। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।